अगर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी में ऐड करना है या फिर आप अमेजोन एफबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे कई सब्सक्राइबर का आए दिन क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे अमेजोन एफबीए के लिए अप्लाई करना है तो मैं जीएसटी सर्टिफिकेट में किस तरह से और क्या मॉडिफाई कराऊँ कि मैं उसके लिए अप्लाई करूँ। तो देखिए सर, अगर आपको एफबीए के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर आपको ऐड कराना पड़ेगा। वो कैसे ऐड होगा आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो अगर कोई अपना बिजनेस शॉप किसी और जगह भी ले रहे हैं या गोडाउन को शिफ्ट कर रहे हैं या एक गोडाउन को ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनको जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि हमारा इस जगह गोडाउन शिफ्ट हो रहा है या हमने एक गोडाउन एक एक्स्ट्रा ख़रीदा है। तो उसके लिए वहाँ पर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस की जानकारी जीएसटी डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। वो किस तरह से होगा आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। इसके लिए हमें जीएसटी की लॉगिन करके अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये अप्लाई करने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एड्रेस अपडेट हो जाएगा और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस वहाँ पर नए सर्टिफिकेट पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे होगा उसको जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको जीएसटी में लॉगिन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ यूज़र नेम डाला और पासवर्ड फिल करता हूँ। उसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा को भी फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। जब लॉगिन होगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आपको ऊपर सर्विसेज वाले टैब में जाके रजिस्ट्रेशन पे जाना है और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वही फॉर्म है जब आपने नया एप्लीकेशन डाला था, ये वही फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको यहाँ क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो इसको इनेबल करने के लिए आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले टैब में जाना है। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स आपकी प्रिंसिपल प्लेस की दिख रही है। आपको सबसे नीचे आना हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसको यस कर देना है। यस करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ देखिए वो ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो यहाँ पे आपको कितना एड्रेस डालना है, वन या टू, तो मुझे यहाँ एक एड्रेस डालना है तो मैं वन लिख के ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे अब आपको नया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ आपका जहाँ पर भी एड्रेस है वो आप यहाँ फिल कर लीजिए। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने एड्रेस डाल दिया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर कंपलसरी है, तो आप वही नंबर डाल लीजिए इस पर मोबाइल नंबर। और नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रमाइसेस, आपका किस तरह का बिजनेस है, मींस कि एड्रेस जहाँ पे आपने रेंटेड है, लीज है, तो वो वहाँ पे आपको डालना है। तो मेरा रेंटेड है, मैं रेंटेड वाला क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए रिटेल बिजनेस आपका है या वेयर हाउस है या फिर होल सेल बिजनेस है, ये तीनों ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं या फिर आप होलसेलर या वेयर हाउस कर सकते हैं। जिस तरह का आपको वहाँ पे काम करना है वो आप यहाँ डालेंगे। तो मुझे वहाँ वेयर हाउस बनाना है तो मैं यहाँ वेयर हाउस और डिपोर्ट वाला ऑप्शन को चेक मार करके इनेबल कर लूँगा। और उसके बाद मैं कब से अमेंडमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 अप्रैल 2020 से इनेबल कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ क्लिक करूँगा। और फिर उसके बाद रीज़न डालना है, आप एक रीज़न जो आपको सूटेबल लगे वो एक रीज़न डाल दीजिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई विल यूज़ दिस प्लेस एज अ वेयर हाउस। तो यहाँ मैंने रीज़न डाल दिया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ूँगा तो यहाँ देखिए वो एड्रेस यहाँ शो करने लगा। फिर कंटिन्यू करना है और वेरिफिकेशन करके आपको डिक्लेयर कर देना है। तो वैसे ही मैं चेक मार्क लगाऊंगा, यहाँ नाम और पैन नंबर शो हो जाएगा।
जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं वो आप वहाँ पे प्लेस डाल दीजिए। फिर सबमिट विथ EBC वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ OTP डालने के लिए आ जाएगा। आज आपने देखा कि हमने किस तरह GST की वेबसाइट पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस ऐड करने के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। कुछ दिन वेट करिए और फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। GST से रिलेटेड और भी वीडियोस जानने के लिए आप आई बटन प्रेस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ट्रेड नेम कैसे होता है, ट्रेड नेम को कैसे चेंज किया जाता है या किस तरह से आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, वो वीडियो देखने के लिए आई बटन प्रेस करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे आए दिन GST से रिलेटेड और ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती रहती है, वो वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर विजिट करें। आपके मन में कोई डाउट या कोई शंका, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है ecomsellerhelp@gmail.com। अगर आपके मन में कोई भी शंका है आप वहाँ भी उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। गुड बाय।